डिगिया रामलला मूर्ति स्थापना को लेकर अनुसूचित समाज के लोगों की अगुवाई में निकाली गई श्रीराम अक्षत कलश शोभा यात्रा। रायबरेली में अनुसूचित समाज के लोगों द्वारा अयोध्या जनपद में होने वाले रामलला मूर्ति स्थापना को लेकर राम अक्षत वितरण करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपावली मनाने के लिए आग्रह किया गया। आपको बता दें, दिनांक 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार को समय करीब 1 बजे रायबरेली जनपद के मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिगिया ग्राम से आसपास के एक दर्जन से अधिक गांव में कड़ाके की ठंड के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और अनुसूचित समाज के लोगों की अगुवाई में राम अक्षत वितरण हेतु कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सभी से अक्षत वितरण करते हुए आग्रह किया गया। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को रामलाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में कम से कम मिट्टी के 10 दीपक घर में अवश्य जलाएं और दीपावली मनाएं। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सेवा प्रमुख गया प्रसाद शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विवेक सिंह, समाज सेवी व पूर्ण जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राज नारायण मौर्य सहित अन्य दलित समाज के लोग मौजूद रहे। मेरा परिचय, मैं विवेक सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी में पूरे जनपद में कलश यात्राएं भी निकाली गई हैं। इस संबंध में आज यहाँ बंदीपुर में एक कलश यात्रा और अक्षत वितरण कार्यक्रम यहाँ पे बड़े भव्य पैमाने पे किया जा रहा है। जो हमारे सुचित भाइयों द्वारा ये कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है और उसमें भी सब पूरा सर्व समाज शामिल है इस यात्रा में। ये यात्रा यहाँ बंदीपुर और शंदी नागिन, राही, डिगिया होते हुए करीब कई गांवों से हो करके, जिसमें माताएं बहनें कलश लेकर के इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। क्या संदेश देंगे? संदेश ये पूरे सर्व समाज के लिए संदेश है, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये एक आस्था का विषय है। और आस्था जहाँ पे होती है वहाँ पे सिर्फ आस्था ही रहती है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आज इतने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अपने गृह में विराजमान होने जा रहे हैं। और इसमें हम पूरा सर्व समाज जो है, पूरे समाज में खुशी की लहर है और सभी 22 तारीख के दिन अपने अपने मंदिरों पे हवन पूजन कीर्तन करेंगे और रात में दीपोत्सव मनाएंगे व पटाखे भी इस पर छोड़े जाएंगे।